हेलो फ्रेंड्स, आहा जिंदगी एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेसिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी। ओके, ईच ऑफ 24 ओमेगा रेसिस्टेंस व्हिच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करेंट्स इन द थ्री केसेस। ओके, अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है। ओके, तो देखिए क्या क्या हम लोगों को दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को भी पता है, यानी गिवन दैट, क्या क्या दे दिया गया है, गिवन दैट पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है, कितना पता है, 220 वोल्ट। देख लीजिए, यहां आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, एंड रेसिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल भी दिया गया है, तो उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल क्या हो गया, रेसिस्टेंस हमारा R हो जाएगा, R से उसको डिनोट करते हैं हम लोग। कितना दिए गए हैं, 24 ओम। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके 24, ठीक है, 24 ओम या ओमेगा जो बोल सकते हैं आप लोग बोल सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, V और R हमें पता है, देन क्या होगा, व्हेन द कॉइल इज यूज्ड सेपरेटली द करेंट इन द क्वाइल क्या हो जाएगा, व्हेन द क्वाइल इज यूज्ड सेपरेटली देन द करेंट क्या होंगे, करेंट जो हो जाएंगे हमारे, करेंट इन द क्वाइल, ओके, इन द क्वाइल क्या होंगे, करेंट इन द क्वाइल जो हमारे हो जाएंगे आई इक्वल टू वी बाई आर। ओके, तो वी हमें पता है 220 वोल्ट। ओके, आर हमें पता है 24 ओमेगा। ओके, अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 4 से अगर करते हैं तो 55 ऊपर में और डाउन साइड हो जाएगा आपका, 6 इंटू 4 अगर करते हैं तो 24 होता है, यानी 55 बाई 6, इसको जब डेसिमल में हम लोग लाएंगे तो 9.16 एम्पियर, क्योंकि करंट हमेशा एम्पियर में हमारे होते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे, स्पेस बनाएंगे और आगे का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आगे का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं।
हमारा जो करंट है पता हो चुका है, ओके? अब हमें when the two coils are connected in series, then क्या होगा? When two coils are connected in series, then net resistance क्या हो जाएंगे हमारे नेट रेसिस्टेंस जो हो जाएंगे R इक्वल टू, जब सीरीज में हम लोग करते हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देन 24 ओमेगा प्लस 24 ओमेगा यानी 48 ओमेगा, ओके? अब क्या होगा, नाउ द करेंट इन द क्वाइल क्या होगा, नाउ द करेंट इन द क्वाइल क्या हो जाएंगे हमारे, तो करंट आई होता है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या होते हैं वी बाय आर, ठीक है? अब वी बाय आर क्या हो जाएंगे हमारे 220/48, ओके 48 हो जाएंगे। अब 48 हो जाएंगे तो इसे जब हम लोग ये जो होंगे 12 से डिवाइड होंगे और ये जो हो जाएंगे आपके 55, ओके? तो जब हम लोग डेसिमल में इनको देखेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे, ये 55/12 है और जब इसको डेसिमल में हम लोग लाते हैं तो 4.58 एम्पियर आते हैं, ओके? आगे चलते हैं, थोड़ा स्लाइड करना होगा हमें ऊपर की ओर, ओके? थोड़े से और हम लोग कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को इजी हो जाएंगे समझने में, ओके? अब देखिए ये तो हमारा आ चुका है, कितना आया है 4.58 एम्पियर। अब देखिए when the two coils are connected in parallel, connected in parallel, parallel का क्या होता है फॉर्मूला, then net resistance क्या हो जाएंगे, net resistance जो हो जाएंगे हमारे 1/R equal to क्या होते हैं आपके हो जाएंगे parallel में अगर है तो 1/R equal to 1/R1 plus 1/R2, हमें दो ही क्वाइल्स का पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो देखिए क्या होते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 यानी 1/24 प्लस 1/24, ओके? क्या हो जाएंगे हमारे 2/24 यानी जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो 12 से ये डिवाइड हो जाएंगे, क्या आ गए हमारे 1/12, 1/R हमारा 1/R हमारा 1/12 है, देन R इक्वल टू क्या हो जाएंगे, R इक्वल टू हमारा 12 आ जाएगा, ओके 12 ओमेगा, ठीक है? अब देखिए थोड़ा और स्लाइड हम लोगों को करना है ऊपर की ओर, ओके? अब देखिए नाउ द करेंट इन क्वाइल क्या हो जाएगा, आर हमें आ चुका है, करेंट निकालना है, नाउ करेंट इन क्वाइल, इन द क्वाइल क्या हो जाएंगे, करेंट को क्या चीज से डिनोट हम लोग करते हैं, आई से करते हैं, ओके? तो आई इक्वल टू क्या होते हैं, आई इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है?
तो V हमारे जो है दिए गए हैं 220। R जो हमारे निकल के आए हैं, हम लोगों ने R निकाला है, R का वैल्यू जो आ गया हमारा 12 ओमेगा यानी 12। ओके, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 55 से डिवाइड होता है और ये 3 4 12। ओके, 55/3। आगे क्या होगा, जब इसको हम लोग डेसिमल में लाएंगे तो 18.33 एम्पियर, ये आपके आ जाएंगे आंसर। तो यहीं पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आज इंडिया एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उस लिंक को क्लिक करें और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस मैथ प्लस साइंस एंड 8 to 12 आपका मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का आप लोग लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।